ये मैंने शाओमी का लैपटॉप मंगवाया है, या फिर कहूँ कि MI नोटबुक प्रो मैंने लैपी मंगवाया है। इसकी अनबॉक्सिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरीके के बॉक्स में अवेलेबल है एंड पैकेजिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। पैकेजिंग मुझे इसकी पसंद आई काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, ये जो लैपटॉप है ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में इसकी जो पैकेजिंग है वो है। अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा जो लैपटॉप है वो हमें रिसीव होता है। कह सकते हैं कि एक टाइप के इसको किया गया है कॉपी, एप्पल के लैपटॉप से कंपेयर करते हुए इसको बनाया गया है। तो बहुत कुछ कॉपी किया गया है इसको बनाने में। तो मुझे ये जो उसकी पैकिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस तरीके की इसे चार्जिंग केबल इसके साथ आई है इसमें पैक बॉक्स के अंदर, एंड कुछ इस तरीके का है ये। ये देख लीजिए पहले इसका जो चार्जिंग केबल है, इस तरीके का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। इसके बाद अगर बात करें लैपटॉप की, तो लैपटॉप की को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर पैक है, एंड इस पॉलीथीन को हमें ओपन करेंगे के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो लैपटॉप है क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इस लैपटॉप को हम बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इसे लेकर के, तो इस पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये देख लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इसे एक हाथ से ओपन करके देखते हैं, तो हाँ ये एक हाथ से ओपन हो गया, लेकिन हाँ थोड़ी सी मतलब मुश्किल से ये ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा इजीली ओपन नहीं होता है एक हाथ से। हाँ थोड़ी सी दम तो लगानी पड़ती है, उसके बाद ये ओपन होता है। तो मुझे ये जो लैपी है वो पसंद आया वैसे। अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ कुछ दिन, देन फिर इसका जो रिव्यू है आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मुझे ये जो लैपटॉप है वो कैसा लगा, यूज़ करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए।